इस मेड्यूल के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से एक सब्सिडी जब कोई एक नेशन अपनी किसी कमोडी के ऊपर या किसी तरीके से उसको फ़ायदा देने की कोशिश करती है तो अल्टीमेटली थ्री मेजर प्लेयर्स जो हम डिस्कस करते आए हैं टैरिफ के इफेक्ट्स जिनके ऊपर आते हैं वन इज़ कंज्यूमर अदर वन इज़ प्रोड्यूसर एंड थर्ड वन इज़ स्टेट तो वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ये प्राइमरीली वही डायग्राम है जो हम लोग पहले देखते आए हैं जो नेशन टू की है वो एक नेशन टू स्मॉल नेशन है और यहाँ पे आपके पास आ, वर्टिकल एक्सेस के ऊपर प्राइसेस हैं एक्स कॉमोडिटी की और पे एक्सेसिक जो क्वांटिटी है जो आ, बात कर रहे हैं हम एक्स कॉमोडिटी की डिमांड कर्व आ, और सप्लाई कर्व ये डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व हैं एक प्राइस है आ, प्राइस थ्री जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक लेबम पॉइंट बनता है और आपके पास प्राइस बनती है थ्री एंड थर्टी जो है वो आपके पास क्वांटिटी है अब नॉर्मली हम ये ज्यूम करते थे कि आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस कम हैं लेकिन सब्सिडीज़ की फॉर्म में हम ये ज्यूम करते हैं कि प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल में आपकी डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा हैं सपोज़ इफ़ द फ्री ट्रेड वर्ल्ड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज़ अराउंड थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो डॉलर तो आपके पास डिमेंड सप्लाई सिचुएशन क्या है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग थ्री पॉइंट फाइव पे देखते हैं डिमेंड का डिमेंड क्या है एंड सप्लाई क्या है आपके पास डिमेंड जो है वो ट्वेंटी uh, है और आपके पास जो सप्लाई है दैट इज़ थर्टी फाइव है हायर प्राइस की वजह से आपके पास कंज्यूमर वू बाई लेस एंड सप्लायर वॉन्ट टू सप्लाई मोर द डिफ्रेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज एक्सपोर्ट इन दिस केस आप यही कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे सरप्लस को ही आप एक्सपोर्ट करते हैं इन नॉर्मल एनालिसिस यू वुड से आपके पास जो डिमांड सप्लाई का डिफरेंस है दैट इज सरप्लस बट वी आरमिंग दैटन इज एक्सपोर्टिंग ऑल ऑफ इट सरस टू द अदर नेशन तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट बन जाती हैं बी पॉइंट बी बार से सी बार तक दैट इज़ फिफ्टीन थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फिफ्टीन तो ये आपकी एक्सपोर्ट है दैट इज़ बी सी की फॉर्म के अंदर एक्चुअली ये बी सी बार है दोनों साइडों पे. देन अब मजद ये देखते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली ये भी हो गया जो हम पिछले केसेस जितने भी पढ़े हैं उसमें हमने ये जूम किया था कि नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है नेशन टू कॉमोडिटी एक्स का बट इन दिस केस वी हैव लर्न दैट कि अगर प्राइस ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में तो आपके पास नेशन टू बेसिकली एक्सपोर्टर बन गया है नेट एक्सपोर्टर बन गया है एक्स कमोडिटी के लिए अब फर्दर ये होता है कि स्टेट जो है वो कहती है कि मैं आपको ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो डॉलर जो है वो ईच यूनिट पे सब्सिडी देती हूँ स्टेट ट्रांसफर भी कर सकती है ये किसी भी फॉर्म के अंदर सब्सिडाइज करती है इन दैट केस आपके पास जो प्राइस है दैट वुड बी फोर डॉलर्स अब प्राइस बढ़ के हो जाएगी फोर डॉलर और यहाँ पे आपके पास जो मूवमेंट है फ्रॉम ए बार टू जी बार ये प्राइसेस में आएगी दैट इज़ फ्रॉम थ्री पॉइंट फाइव टू फोर डॉलर अब जो इफेक्ट आएंगे अभी तक हम आ, इस सेक्शन के अंदर वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑनली एंड देन कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एंड एक्सपोर्ट्स इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके एनालिसिस करेंगे कि आपके पास अल्टीमेटली शेयर्स क्या आते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स के पास तो इस केस के अंदर अगर प्राइस बढ़ के फोर डॉलर हो जाती है तो आपके पास जो डिमांड है दैट वुड बी टेन जो एज बार के ऊपर डिमांड का जो है वो uh, uh, टच कर रहा है इस प्राइस को एंड देन सप्लाई इज फोटी तो आपके पास जो सरप्लस बना दैट इज़ सिक्सटी थर्टी फोर्टी माइनस टेन दैट इज़ थर्टी अब ये सरप्लस बेसिकली आपकी एक्सपोर्ट्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली जो हम uh, बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव स्टेट्स का ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें तो जब स्टेट ने सब्सिडी प्रोवाइड की प्रोड्यूसर को तो एक्सपोर्ट्स जो प्राइमरीली हो रही थी फिफ्टीन अब वो आलमोस्ट डबल हो गई हैं या इनफेक्ट डबल हो गई हैं फ्रॉम फिफ्टीन एक्स टू थर्टी एक्स तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा हो गया एंड अल्टीमेटली जो कंज्यूमर uh, है उसको लॉस हुआ है कंज्यूमर किस तरह लॉस में गया है कि आपके पास उसको डोमेस्टिकली प्राइस कम मिल रही थी पहले सब्सिडीज से दैट वाज थ्री पॉइंट फाइव और वो ट्वेंटी परचेज uh, कर पा रहा था लेकिन अब वो क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गई है तो बेसिक रूल ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमैंड आपके पास जैसे ही प्राइस बढ़ी है तो डिमैंड डोमेस्टिकली कम हो गई है तो अल्टीमेटली तो जो दो मेजर प्लेयर थे अभी कंज्यूमर uh, और प्रोड्यूसर इस डायग्राम के अंदर प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ है और कंज्यूमर को लॉस हुआ है नेक्स्ट मीड्यूल के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कितना कितना शेयर ऐसे प्रोड्यूसर uh, गेन करता है और कंज्यूमर लॉस करता है